हाय व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही लाइट एंड मज़ेदार से रेसिपी जो है चाइनीज़ राइस। तो आए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक पैन में ऑयल लिया 2 टेबलस्पून। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 अदद फेंटा हुआ अंडा। फ्लेम को हमने लो रखना है, अंडे को हमने फ्राई करना है और इसको चम्मच की मदद से तोड़ लेना है। इस तरह से तोड़ लेंगे हम इसमें। आप इसमें कोई फूड कलर भी ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ताकि अंडे की जो रंगत है वो चेंज हो जाए। कोई भी जर्दा रंग आप इसमें ऐड कर लें। अंडा हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं बोनलेस चिकन 250 ग्राम। चिकन को हमने बॉयल कर लिया था और छोटे छोटे पीसेस में हमने इसको काट लिया है। इसको भी हम फ्राई करेंगे ऑयल में। ओके, अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं गाजर 200 ग्राम। गाजर सबसे पहले हमने इसलिए डाली है क्योंकि ये पकने में टाइम ज़्यादा लेती है, तो इसलिए सबसे पहले हम गाजर को डालेंगे। इसको भी हम लो फ्लेम पे फ्राई कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं बॉयल मटर। इसको भी हम फ्राई कर लेते हैं ऑयल में। मटर हमारे बिल्कुल गले में है, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। सारी सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स करें। ओके जी, अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं बंद गोभी 200 ग्राम। ये भी हमने बारीक बारीक काटी थी क्योंकि ये गल जल्दी जाती है, इसलिए हमने इसको बारीक रखा था। शिमला मिर्च ऐड कर रहे हैं 150 ग्राम। क्यूब्स की शेप में हमने इन सब्जियों को काटा है, इससे होगा कि इसकी रंगत बहुत अच्छी आएगी और सब्जियाँ बहुत अच्छी लगेंगी। सारी सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं नमक 1 टीस्पून और ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। नमक हस्बे जायका है, जितना आप खाना चाहें उतना यूज़ करें। काली मिर्च जो है वो उसकी क्वांटिटी हमने थोड़ी सी ज़्यादा रखी है क्योंकि ये चाइनीज़ डिश है। सारी सब्जियों में अच्छी तरह नमक और काली मिर्च को मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको फ्राई करना है। ओके, अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1/2 किलो बॉयल चावल। चावलों को हमने बॉयल किया था और एक कनी पर इसको रहने दिया है। चावलों को मुकम्मल तौर पर इनको नहीं पकाया। अब बहुत ही सॉफ्टली हम सारी सब्जियों में इस चावल को मिक्स करेंगे, ये देखें इस तरह से, ताकि चावल जो हैं वो आपके टूटे ना। ये खाने में बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा आपको हैवी फील नहीं होता, तो ये आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। ये देखें मिक्स हो गए हैं सारे चावल हमारे सब्जियों में। अब हम इसको ढक देते हैं दम पे 5 मिनट के लिए, क्योंकि चावल हमारे कनी में थे। 5 मिनट के बाद हमारे चावल जो है मुकम्मल तौर पर गल चुके हैं, सब्जियां भी हमारी गल चुकी हैं। डिश ऑफ करते हैं अपने चाइनीज राइस को और इसको चिकन मंचूरियन के साथ आप इसे खाएं और एंजॉय करें। फीडबैक हमें ज़रूर दें हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।